बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन पहले भागलपुर के नामी जरदालू आम के 1000 पैकेट को दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा। वो इसलिए कि वहाँ जो माननीय हैं सांसद मंत्री सबों को उपहार स्वरूप बिहार सरकार की ओर से जरदालू आम भागलपुर का भेंट किया जाता है। बिहार का जरदालू आम बड़ा ही नामी गिरामी है, बड़ा ही स्वादिष्ट, अद्भुत और एक आम खाने के बाद आप तृप्त हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप बेंगलोर में हैं, पूना में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं या कोलकाता में हैं तो फिर आपको जर्दा आम कैसे मिलेगा। मिलेगा, हम बताते हैं कैसे मिलेगा। दूसरी बात, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, तो गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार हम किया करते थे। और गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार इसलिए करते थे कि जब गर्मी की छुट्टी होगी तो हम सभी गांव जाएंगे और गांव में आम के बगीचे के बीच बैठकर पेड़ से तोड़कर वहां बाल्टी में पानी रख के उसमें धो के और उसको तब उसका रस आस्वादन किया जाएगा। बड़े अद्भुत आनंद मिलता था उन चीज़ों में। लेकिन अब वो ज़माना लत गया, कम से कम उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए मॉल्स खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं जहां वो जाते हैं, आम खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन वो आम क्या होता है? वो आम होता है जो यहां से, मतलब जो आम उत्पादक है वहां से जाता है कच्चा आम, फिर उसको केमिकल से या अन्य तरीक़ों से पकाया जाता है और तब उसको आप तक पहुंचाया जाता है और आप उसका रस आस्वादन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप शुद्ध बगीचे का आम बिना किसी केमिकल के घर बैठे खाकर वही आनंद ले सकते हैं जो कभी आप बगीचे में बैठकर आम खाया करते थे, तो आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा, ऐसा सच है और ऐसा कर दिखाया है बिहार के एक किसान ने। आइए पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि आखिर फलों का राजा जो आम होता है और कैसे बगीचे का पेड़ का आम सीधे आपके टेबल तक, बगीचे से आपके डाइनिंग टेबल तक आम कैसे पहुंचेगा और शुद्ध बिना केमिकल के और पूरे अपने प्राकृतिक जो उसकी गुणवत्ता है उसके साथ। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। इसके पहले भी आम पर हमने एक वीडियो बनाया था और आप मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत बेहतरीन उसका रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, तरह तरह के उस पर कमेंट्स भी आए। लेकिन उसमें ये भी कमेंट्स था कि ये जो मियाँ जाकी आम है इसकी कीमत भारत के लोग कैसे कर सकेंगे कि 1 किलो आम की कीमत 2,70,000 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में भी आम है और बिहार का जरदालू आम तो नामी है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं और उसी कीमत पर ले सकते हैं जिस कीमत पर आप उसको उगाकर अपने बगीचे में खाते थे। तो ये कैसे संभव हुआ इसकी पूरी कहानी पर आते हैं। ये कर दिखाया है एक कृषक है आलोक कुमार, जो कृषि समन्वयक भी हैं और उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा गांव के रहने वाले। उन्होंने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है, ऐसा एक कारोबार शुरू किया, इस तरह की योजना बनाई कि सीधे खेत से एकदम प्राकृतिक अवस्था में वो आम आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने जब आपदा काल था तो एक बात कही थी कि आपदा में अवसर ढूंढना। तो ये जो कहानी है वो आलोक कुमार की जो कहानी है ये भी आपदा में अवसर ढूंढने वाली कहानी है। जब आप सुनेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि इन्होंने जो काम किया उससे केवल किसान ही लाभान्वित नहीं हुए, किसान लाभान्वित हुए और साथ में दूर दराज के बैठे हुए हमारे दोस्त, हमारे परिजन, आप सभी इसका लाभ ले सकेंगे या ले रहे हैं जो सीधे खेत का आम बगीचे से
आम अपने डाइनिंग टेबल पर उसी स्थिति में प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना से सारी दुनिया त्रस्त थी, तो केवल शहर ही त्रस्त नहीं था, गांव भी त्रस्त था। और आम लगाने वाले जो किसान थे, जो बगीचा लगाते हैं किसान और उनका उत्पादन होता है आम का, वो भी परेशान थे, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट्स बंद थे, मंडियां बंद थीं। उस स्थिति में उनका आम मंडी तक पहुंच नहीं पाता था, आम बर्बाद हो गया, सड़ गया, और जो आर्थिक घाटा हुआ वो तो पूछिए ही नहीं। ये किसान जो आम उत्पादक किसान थे, ये घुटनों पर आ गए, ये स्थिति हुई। लेकिन ये देखा गया कि बावजूद उसके ऑनलाइन मार्केटिंग का काम चलता रहा कोरोना काल में भी। तो एक बात दिमाग में आई आलोक कुमार के कि क्यों नहीं हम ऑनलाइन मार्केटिंग इस आम का करें। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कौन सा उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा जो वहाँ तक पहुँचाए, आम शुद्ध रूप से वहाँ कैसे पहुँचेगा, बिना केमिकल के कैसे पहुँचेगा, समय कैसे पहुँचेगा, ये सारी समस्याएं थी। और धीरे धीरे इन सारे चीज़ों का निराकरण निकल गया। तो कैसे ये बात दिमाग में आई, सुनिए। ये पिछले वर्ष जो कोरोना का समय था, उस कोरोना के समय में किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से तो उनको जो है सो उपज बेचने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाहर से भी कोई व्यापारी नहीं आ पा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का भी दिक्कत था। तो आम में पिछले साल हम लोगों को बहुत सा नुकसान हो गया। इस वर्ष भी जबकि आम की खेती, आम का फसल और जगह पर बहुत ही कम आया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर किसानों ने मेहनत किया था तो फसल तो थोड़ा बहुत अच्छा आया। इतिहास रिपीट नहीं हो इसके लिए हमने जो है कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग करके हम जो है सो इस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को बेचें और बाहर भेजें। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के जो हमारे देश के अन्य पार्ट के नागरिक हैं, शहर में जो रह रहे हैं, उनके पास जो है सो फ्रेश सामान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको मिल नहीं पाता है। जो भी आम बाज़ार में उपलब्ध है आज के डेट में, वो सब केमिकल से ट्रीटेड है, पकाने के लिए चाहे कार्बाइड डालकर ही पकाया हुआ है। आप कितना भी खोजेंगे तो जल्दी से कच्चा आम, पेड़ का टूटा हुआ आम नहीं मिलेगा। तो अपना खेत अभियान इसलिए चलाया गया कि किसानों के उत्पाद को उचित दाम मिल सके, और हमारे जो शहरी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन रह रहा है उनको सही उत्पाद मिल सके। इसको लेकर जैसा इन्होंने बताया कि अपना खेत करके उन्होंने एक संस्था बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस अपना खेत का एक वेबसाइट तैयार किया। और उस वेबसाइट, हालांकि वो वेबसाइट बहुत अपडेट नहीं था, लेकिन बावजूद उस वेबसाइट के तहत उन्होंने मार्केटिंग शुरू की। धीरे धीरे कुछ लोग उनसे जुड़े जिन्होंने आम का डिमांड किया। फिर इसी बीच उन्हें एक प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी मिल गई जो बाय एयर बस आम को तीसरे दिन उस जो ग्राहक होता है उसके घर तक पहुंचा देती है। ऐसे में 3 दिन में आम खराब नहीं होता है। तो आखिर क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आम को वहां पहुंचाया जाता है, किस तरह उसकी पैकेजिंग की जाती है, ये सारा मैटर होता था। इसको लेकर क्या कहते हैं आलोक जी? जी, जब हमने जब अपना खेत अभियान छेड़ा था तो सबसे पहले था कि हम लोगों तक पहुंच कैसे पाएंगे। तो हमारे पास संसाधन सीमित था, तो हमने पहले एक वेबसाइट बनाया था। चूँकि सीमित संसाधन था तो बहुत मतलब अप टू मार्क वेबसाइट नहीं बन पाया था। ई कॉमर्स वेबसाइट जो चाहिए था, जो आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, वो वेबसाइट नहीं बन पाया था। इसी बीच में हमको एग्रोज के डायरेक्टर से बात हुई। हम जो आम यहाँ से भेज रहे हैं वो आम सीधे पेड़ पर से तोड़ करके और उसको बक्से में बंद करके उसको एक अच्छे प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी से भेज रहे हैं, जो बाई फ्लाइट वहाँ पर जाता है, उनके घर तक पहुँचता है और उनको शुद्ध चीज़ मिलता है, और वहाँ रख करके, घर में रख करके धीरे धीरे आम पकता है। तो कोई केमिकल का उपयोग पकाने के क्रम में नहीं होता। हमारे ग्राहक जो है सो बहुत ही संतुष्ट हैं। हम एक बार अभी बम्बई आम हम एक लॉट भेज चुके हैं, उसका जर्दा भी हमने भेजा है, जिनको ही पैकेट मिल रहा है। पैकेट में जब भी आम खोलते हैं तो उनको एकदम हरा हरा आम ही मिलता है, उनको लगता है, फीलिंग होता है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर में पैकेट उनको मिल जा रहा है, तो उनको एकदम फीलिंग हो रहा है कि पेड़ पर से तोड़ा हुआ, बचपन का याद उनको ताज़ा हो रहा है। हर एक आदमी वो इसी बात को कह रहे हैं, अभी तक पैकेट सुरक्षित सभी को मिला है। और सबसे अहम बात यह है
कि आप देखेंगे कि आलोक जी ने जहाँ आम के प्राकृतिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वहीं उन्होंने किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया। आम तोड़ने के 15 दिन पहले ही कीटनाशक का छिड़काव बंद कर दिया जाता है कि आम पर किसी भी तरह के केमिकल का दुष्प्रभाव नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात कि आम की पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि आम आप तक पूरी तरह सुरक्षित पहुंच जाए। अभी तक जो इन्होंने काम किया है, इसमें किसी भी तरह की शिकायत किसी भी उपभोक्ता ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अब उन्होंने जो विज्ञान का सहारा लिया, जो नई तकनीक है उसका सहारा लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस खेत किस जगह से, जो इन्होंने गूगल मैप तैयार किया है उससे आपको ये पता चलेगा जो आम आपको भेजा जा रहा है वो किस गांव के किस किसान के किस खेत से भेजा जा रहा है। मतलब आप किस पेड़ की आम खा रहे हैं, जिस तरह आप बगीचे में कहते थे कि वो लंगड़ा आम है तो वो मुंबईया आम है, आज ये खाएंगे आज वो खाएंगे, तो आपको पेड़ का भी पता होता था और आप उस बगीचे को भी देख सकते हैं जिससे आम तोड़कर आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचाया गया। तो इसका क्या लाभ हुआ पहले ये जाने। इसका 2-3 लाभ, पहला तो ये हुआ कि वो किसान जो कोरोना काल में मरणासन्न हो गए थे, उनकी आर्थिक आमदनी समाप्त हो गई थी, उनके उत्पाद को कोई पूछने वाला नहीं था, आज अब एक एक करके सारे किसान आलोक कुमार के अपना खेत अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि आप हमारे दोस्त हमारे परिजन हमारे अपने जो शहर में हैं, जो गांव आकर गांव के आम का बगीचे में बैठकर आनंद नहीं ले सकते थे, अब वो आप अपने डाइनिंग टेबल पर उस आम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां भी थी, मार्केटिंग के लोग की भी कठिनाई थी। इसको लेकर आलोक जी ने एग्रोज जो एक प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग करती है अमेजोन और तमाम तरह की चीज़ों की तरह, उससे भी टाई अप किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे किसानों को सही मूल्य मिलता है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, और आपको कम कीमत पर या यूं कहे कि उचित कीमत पर आपको आपके टेबल तक वो आम मिल जाता है जो फलों का राजा कहा जाता है, और आप एक आम खाकर उसका रसास्वादन कर अपने को आनंदित महसूस करते हैं। अब जब ये बात बाजार में फैली, लोगों को ये पता चला, तो सरकार, चूँकि वो खुद भी कृषि समन्वयक हैं, तो चीज़ें विभाग में गई और अब बिहार सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी आम के उस खेत में घूमना शुरू किए, उनका निरीक्षण शुरू किए। लेकिन इसी बीच में आलोक जी ने कुछ और भी बेहतर काम किया जो अमूमन आम के पेड़ों में नहीं देखा जाता है। अब वो बाज़ाब्ता जब आम बड़ा हो जाता है और तैयार होने की स्थिति में होता है तो उसकी बैगिंग करते हैं, एक एक आम को बैगिंग किया जाता है, उसको बैग में सुरक्षित रखा जाता है ताकि उस पे पत्तों का दाग न लगे, उसका गंदगी से बचाव हो सके, कीड़ों का उस पर कोई प्रकोप नहीं हो, चिड़िया उस पे चोंच न मार सके। कहने का मतलब कि एक एक आम को एक बच्चे की तरह सुरक्षित रखकर उसकी परवरिश की जाती है और तब आप तक पहुंचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पूरी दुनिया केमिकल के प्रभाव से परेशान है, खाद्य पदार्थों में जो केमिकल उपयोग होता है उससे परेशान है, उसमें आपको शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था में वो आम आप तक जाता है। और आम भेजा जो जाता है उसकी जो पैकिंग होती है, तो वो आम जब पूरा तैयार हो जाता है, पकने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले उस आम को तोड़ी जाती है और तब आप तक भेजा जाता है, और जब आपके घर में वो आम पहुँचता है तो धीरे धीरे स्वतः पकता है और आप उसका आनंद लेते हैं। तो आलोक जी ने जो आपदा में अवसर ढूंढा, इसका लाभ कई क्षेत्रों में मिल रहा है। और आज के दिन में स्थिति यह है कि उद्यान विभाग के बिहार सरकार के संयुक्त निदेशक अवांशु जैन, सहायक निदेशक
नीरज झा, ये तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं और आम के खाने वाले, जो आम को पसंद करने वाले हैं, वो भी उनके बगीचे तक पहुँच रहे हैं और किसान भी उनके यहाँ जा रहे हैं जिनको उनका लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में आलोक कुमार जैसे किसान की चारों ओर प्रशंसा हो रही है जिन्होंने आपदा को अवसर बनाया, उसका लाभ किसानों को दिया और सबसे बड़ी बात कि आप तक शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था में आम पहुंचाई, जिसका आप आनंद ले रहे हैं। तो आम का समय है, आप भी लीजिए आनंद, और इसके लिए आपको ऑनलाइन आम मंगाना पड़ेगा और आप आनंद ले सकेंगे फलों के राजा का। तो बस आज इतना ही, फिर होगी बात। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको निश्चित रूप से दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात और, आम आप इस बार खाए हैं कि नहीं, और खाए हैं तो किस किस प्रजाति की आम खाए हैं, और ये जो हमने वीडियो बनाया आप इसकी बुकिंग किए हैं कि नहीं, आप पहले से जानते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वही हमको मार्गदर्शन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।